सावरकर गौरव यात्रा में सीएम शिंदे का उद्धव पर तंज, खुद को वारिस कहने वाले अपमान करने वालों के साथ बैठे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सावरकर के बारे में की गई टिप्पणी के बाद रविवार को बीजेपी और शिवसेना शिंदे ने राजभर में सावरकर गौरव यात्रा शुरू की। इसमें सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। सीएम के गृहनगर थाने में निकाली गई सावरकर गौरव यात्रा में सीएम ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि सावरकर का अपमान करने पर दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के खिलाफ जूता मारो अभियान चलाया था। वहीं आज खुद को बाला साहेब का वारिस कहने वाले सावरकर का अपमान करने वालों के साथ हैं। सीएम ने इसे राजनीतिक पाप और महाराष्ट्र का दुर्भाग्य करार देते हुए कहा कि सावरकर जैसे क्रांतिकारी के बलिदान के कारण ही हम आज स्वतंत्रता का सुख भोग रहे हैं। सावरकर एक प्रखर देशभक्त और हिंदुत्ववादी थे। उनकी गौरव गाथा को लोगों तक पहुंचाने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही देश में हिंदुत्व का सम्मान जागृत हुआ है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं। देश के हिंदू इन लोगों को आने वाले चुनाव में अपने वोट से जवाब देंगे। क्या संघ को सावरकर का हिंदुत्व मान्य है? राउत। उधर रविवार को शिवसेना उद्धव नेता और सांसद संजय राउत ने सावरकर के मुद्दे पर संघ और बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे और सावरकर का हिंदुत्व एक ही था। दोनों चोटी और जनेऊ धारी हिंदुत्व को नहीं मानते थे। सावरकर का हिंदुत्व प्रगतिशील और विज्ञानवादी हिंदुत्व था। बीजेपी गाय को माता मानती है, लेकिन इस बारे में सावरकर के विचार क्या थे या बीजेपी और संघ के लोगों को मंजूर है क्या? राउत ने कहा कि सावरकर गौरव यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है।